हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टोकर एवेंजर्स का चैप्टर 277। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे ताकेमिची टाइम में कुछ ज़्यादा ही पीछे आ जाता है, और जब ताकेमिची को पता चलता है कि वो इतना ज़्यादा पीछे आ चुका है, तब वो सीधा माइकी के घर की तरफ भागता है। और जब ताकेमिची माइकी से मिलता है, तो स्टार्टिंग में तो माइकी ताकेमिची को जानने से इनकार कर देता है, और उसके कुछ ही देर बाद माइकी ताकेमिची का नाम ले लेता है, जो सुनकर ताकेमिची काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो अब आगे देखते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है ताकेमिची और माइकी को, जो एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों को ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो माइकी ताकेमिची से कहता है कि तुम तो ताकेमिची हो ना? तो ताकेमिची कहता है, कैसे, तुम्हें कैसे पता? तो अगर सिंपल शब्दों में कहें तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चल जाता है कि वो दोनों ही साथ में समय में पीछे आ चुके हैं। और जब उनको ये पता चलता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों ने टाइम लीप कर लिया है। यहाँ पर ताकेमिची और माइकी तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, पर बाकी किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शिनिचिरो और बाजी बस देख रहे थे और कह रहे थे कि आखिर इन दोनों के साथ क्या हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि ताकेमिची और माइकी भागने लग जाते हैं, और वो दोनों बस कह रहे होते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। और इसके बाद माइकी कहता है कि मैं नहीं जानता, पर जिस पल तुम मर रहे थे मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि तुम अपनी आँखें खोल लो, और उसके बाद मुझे बस इतना ही याद है कि मैं यहाँ पर हूँ। आखिर इसका मतलब क्या है? जब मैं मर रहा था मुझे तुम्हारे आंसू अपने चेहरे पर महसूस हुए, और मैं अचानक से यहाँ पर आ गया। आखिर हुआ क्या ताकेमिची? मुझे नहीं पता माइकी, ये तो चमत्कार है, एक चमत्कार। लेकिन हम भाग क्यों रहे हैं? मुझे नहीं पता, पर मैं बस एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। तो हम इन सबसे देख सकते हैं कि ताकेमिची और माइकी कितने ज़्यादा खुश हैं। वो इतने ज़्यादा खुश है कि वो उनसे एक जगह खड़ा भी नहीं रहा जा रहा, इसलिए वो बस इधर उधर भाग रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि ताकेमिची और माइकी भागते भागते एक बिल्डिंग की छत पे आ जाते हैं, और इसके बाद माइकी कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, पर जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा मैंने कुछ महसूस किया। और इसके बाद ताकेमिची कहता है कि मैंने तो सोचा कि मैं अपनी पावर्स तुम्हें सौंप रहा हूँ, और जिस मोमेंट में हमने हैंडशेक किया उसके बाद हम दोनों सीधा टाइम में पीछे आ गए, क्यों है ना? तो अब हमें क्या करना चाहिए ताकेमिची? मैं हमेशा से अपनी लड़ाई खुद ही लड़ता आया हूँ, पर इस बार मेरे पास तुम हो, तो ठीक है फिर, तो हम इसे साथ में करते हैं। अब बारी है रिवेंज की, और उस दिन से मैं और माइकी भागते ही रहे। एक गैंग की शुरुआत करते हैं हम सातों से, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं पहले टोकेमांझी गैंग की शुरुआत सिर्फ 6 मेंबर से हुई थी, पर इस बार टोकेमांझी गैंग की शुरुआत 7 लोगों से हो रही है, जिसमें कि इस बार ताकेमिची भी है। तभी ताकेमिची कहता है कि क्या मैं एक और दोस्त को ला सकता हूँ? और फिर हम देखते हैं कि ताकेमिची किसाकी को वहाँ पर ले आता है, और किसाकी कहता है कि तुम मुझे किसाकी टट्टा बुला सकते हो। और फिर माइकी कहता है कि मुझे भी एक और बंदे को बुलाने दो, और उसके दो बंदा कहता है कि लेकिन मैं गुंडा नहीं बनना चाहता। और फिर हम देखते हैं कि माइकी हारुचियो को वहाँ पर ले आता है, और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर शिनिचिरो आ जाता है, और शिनिचिरो माइकी को बर्थडे विश करते हुए कहता है कि हैप्पी बर्थडे मांजिरो। और शिनिचिरो माइकी को एक बाइक गिफ्ट करता है जिसका मॉडल नंबर होता है द CB250। और उस बाइक को देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। और फिर हम सभी लोगों को गैंग यूनिफॉर्म में देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि ताकेमिची और माइकी कहते हैं कि द 3 शिवा सिबलिंग्स कोको एंड इनुई और इजाना काकुचो मूचो हमने सबको बचा लिया। और फिर हम देखते हैं कि माइकी कह रहा होता है कि अब से तुम सभी के सभी टोक्योमांझी गैंग का हिस्सा हो। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची और माइकी साथ में होते हैं, और माइकी कहता है कि ताकेमिची इसके साथ हमने पूरी दुनिया जीत ली है। और फिर ताकेमिची कहता है कि आखिरकार ये सब खत्म हुआ। हाँ, और इसके बाद हमें टोक्योमांझी गैंग में सभी की पोस्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। टोक्योमांझी गैंग का लीडर है माइकी, एक्टिंग प्रेसिडेंट ताकेमिची, वाइस प्रेसिडेंट ड्रैकन, स्टाफ ऑफिसर किसाकी टेट्टा, हानमा स्टाफ ऑफिसर, फर्स्ट डिवीजन कैप्टन बाजी क्यूसुके, फर्स्ट डिवीजन वाइस कैप्टन चीफ युमात्सुनो, सेकंड डिवीजन कैप्टन मित्सुया, सेकंड डिवीजन वाइस कैप्टन हक्काई, थर्ड डिवीजन कैप्टन हायाशिदा हारुकी, थर्ड डिवीजन वाइस कैप्टन हायाशी रोही। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि माइकी कहता है कि और आज से टोक्योमांझी गैंग डिसबैंड होती है, और उसके बाद सभी लोग तोमान तोमान करने लग जाते हैं। और फिर हमें 11 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, और दिन होता है 3 जुलाई साल 2017।
और गाइज माइकी और ताकेमिची को जिसको भी बचाना था वो सबको बचा चुके हैं, और ताकेमिची का टाइम लिप करने का मकसद भी पूरा हो चुका है। तो अब एंडिंग क्या होगी ये हम देखेंगे लास्ट चैप्टर में। तो हाँ गाइज, जो अगला चैप्टर होने वाला है वो इस मांगा का लास्ट चैप्टर होगा, और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो मांगा वाले कह रहे हैं। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और गाइज अब तो मांगा भी खत्म होने वाली है, अब तो कर दो सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।